मुंडरी में बीते दिन पति द्वारा पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी निर्मल कुमार ने बताया कि कल शाम हाबड़ी मोड़ पर मुंडरी पुलिस की टीम ने आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना प्रभारी के अनुसार अभी तक आरोपी ने जिन हथियारों से मृतका का कत्ल किया वे हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। वे कोर्ट से अपील करेंगे कि उन्हें जयप्रकाश रिमांड पर दिया जाए ताकि वे उससे हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद कर सके। याद रहे कि दो दिन पूर्व ही कैथल रोड पर स्थित साई कॉलोनी में एक शिक्षक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड की मांग करेगी। तो मनीषा मर्डर केस है जो साई कॉलोनी में 10-11 तारीख को मर्डर किया था जयप्रकाश उसका पति, उसको जयप्रकाश को हमने देर साई को गिरफ्तार कर लिया है। जो उससे पूछताछ की गई है, पूछताछ के दौरान हमने आज कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। उस कोर्ट से उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा 2 दिन का, क्योंकि हमने उससे वारदात में जो चाकू प्रयोग किया था वो रिकवर करना है। अब इस मुकदमे में गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि हमारा अनुसंधान पूरा हो सके। तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, क्या कहता है अभी तक वो? उसको हम आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट से उसका रिमांड पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। तो कब गिरफ्तार किया ये? उसको देर सायं कल गिरफ्तार किया था यहाँ पुंडी से, हमड़ी चौक से। और सर ये इसको कुछ मलाल है अपने जो बात हुई आपकी कुछ अपने पत्नी की हत्या करने वाले? इनका परिवार के आपस में दोनों का झगड़ा रहता है, किसी बात को लेके कलह रहती थी, इस बात से ये परेशान था। परेशानी में इसने रात को अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। बाकी अभी पूछताछ कर रहे हैं इससे। जी सर इसका नाम क्या है? ये जयप्रकाश चंद्रगिरा में कुछाण का रहने वाला है। ये टीचर है, ये पाई स्कूल में संस्कृत टीचर है। ये कई साल से 10-12 साल से यहाँ कुंडी में रह रहा है। इसका परिवार से रहता था। क्या नाम था इसकी मिसिस का? इसका इसकी मिसिस है मुनीषा मुनेश। तो वो घर में रहती था या किसी पद पर थी? वो घरेलू काम करती थी, अपने परिवार बच्चों को पालती थी। कितने बच्चे इनके पास? इनके 2 बच्चे हैं। कितने उम्र है? 12 साल का लड़का है, एक 9 साल की लड़की है। सर बच्चे इसके यही इसके पास रह रहे हैं या उसके मामले वगैरह? इसके पास ही रहते हैं घर में। अब भी इसी के पास? अभी इसके पास ही है, इसके परिवार वाले हैं। तो हाँ जी इसी चर्चा था उनकी। घर में कौन कौन रहता था सर? इसमें घर में पति पत्नी 2 बच्चे थे, इनका भाई भी रहता है बड़ा। खबरनामा हरियाणा के लिए पुंडरी से संजय ढुल की रिपोर्ट।